नमस्कार, मैं मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज में सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। गर्मी बढ़ते ही स्वाइन फ्लू कमजोर, लेकिन मौतें जारी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड को झटका। नवी मुंबई और जबलपुर में चर्च पर हमला। हमले के शिकार हुए ईसाई धार्मिक स्थलों की लिस्ट में दो और जगह के नाम जुड़ गए हैं। ताजा मामला मुंबई और मध्य प्रदेश के जबलपुर के है। नवी मुंबई में एक चर्च पर पत्थर फेंके गए, जबकि जबलपुर में चर्च के कैंपस में तोड़फोड़ की गई। शनिवार को 3 बाइक सवार लोगों ने नवी मुंबई के पनवेल इलाके में सेंट जॉर्ज कैथलिक चर्च पर पत्थर फेंके। जानकारी के मुताबिक पत्थर फेंकने वालों ने चेहरा ढका हुआ था। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड को झटका। एडम मिलर टीम से बाहर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले से ठीक पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है और टीम के तेज गेंदबाज एडम मिलर चोट की वजह से बाहर हो गए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दौरान गेंदबाजी करते हुए मिलन के बाएं पांव की एड़ी में चोट लग गई थी और फिर उनकी MRE टेस्ट किया गया, जिसके बाद उनको टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। लापता राहुल गांधी की तलाश, इनाम का ऐलान। बुलंदशहर कोतवाली में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुमशुदगी तहरीर के बाद रविवार को नगर के कई स्थानों पर लापता राहुल की तलाश के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टर में तलाश करने वाले को उचित इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। अपने नेता के पोस्टर चस्पा होने से कांग्रेसियों में रोष है। पिछले दिनों भाजपाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुमशुदगी की तहरीर शहर कोतवाली में देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। रविवार को काला आम चौराहे, रेलवे स्टेशन व रोडवेज सहित सार्वजनिक स्थानों पर लापता राहुल की तलाश के पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टर में 8 युवाओं के नाम लिखे हैं। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। कोलकाता स्थित एक कंपनी ने हिंदी फिल्म जगत के अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा संचालित एक कंपनी में 9 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए लालच दिया गया। MK मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक देवाशीष ग्रह द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने एसेंशियल स्पोर्ट्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिल्पा और रिपू सुदन कुंद्रा के खिलाफ जाँच शुरू कर दी। गर्मी बढ़ते ही स्वाइन फ्लू कमजोर, लेकिन मौतें जारी है। बढ़ते तापमान के कारण राजधानी समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में स्वाइन फ्लू के वायरस का संक्रमण घटने लगा है। इस संक्रमण से जूझ रहे पुराने मरीजों के लिए ये बीमारी जानलेवा बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक और महिला की मौत की पुष्टि की। 45 वर्ष महिला बिलासपुर की है। रविवार को अम्बेडकर अस्पताल से केवल 2 संदिग्ध मरीजों के स्वाब सैंपल जाँच के लिए दिल्ली भेजे गए। अस्पताल में अब भी 5 संदिग्ध मरीज हैं, आइसोलेटेड वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बछरावा में बरेली प्रयाग एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर। बछवाड़ा में 3 दिन पहले हुए जनता एक्सप्रेस ट्रेन हादसे से रेलवे प्रशासन को कोई सबक नहीं सीखा। रविवार के प्रयाग बरेली एक्सप्रेस ट्रेन को गलत ट्रैक पर दौड़ा डाला। गलत सिग्नल मिलने के बावजूद ड्राइवर की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। उसने आपातकालीन ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा होने से पहले ही टाल दिया। इसका पता चलते ही यात्री आग बबूला हो उठे। उन्होंने रात 1:30 बजे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, www.indialivenews.in पर। नमस्ते।